Hello and welcome to my channel. And this is your own nutritionist and wellness consultant, Dr. Richa Garg. आज फिर से मैं आपके लिए लाई हूँ एक हेल्दी रेसिपी विद अ सुपर हेल्दी इंग्रेडिएंट विच इज ग्रीन ग्राम साबुत मूंग की दाल. द हम्बल मूंग दाल इज द मोस्ट वैल्यूड ऑफ ऑल पल्सेस एंड लेग्यूम्स इन आयुर्वेदा. वन कैन ईट मूंग दाल डेली और शुड ईट एट लीस्ट फॉर 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक. It has high amount of soluble and insoluble fiber, which is healing for your digestive tract and supports the gut health. The person whose body type is predominantly Vata, this is the most suitable pulse. This is the most favorable pulse for your thyroid and endocrine system. Diabetics can balance their sugar levels by regular consumption. And yes, if you are overweight, this is a must to include. आज की हमारी सुपर हेल्दी लो कैलोरी एंड प्रोटीन रिच रेसिपी है मूंग दाल के अप्पे. इसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल को रात भर पानी में भिगो लिया है जिससे कि इसके एंटी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाएं और ये दाल सॉफ्ट हो जाए. फिर इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं. वॉश करने के बाद हम इसका एक बैटर प्रिपेयर करेंगे. बैटर प्रिपेयर करने के लिए मैं डाल लेती हूँ इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में. मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा जिंजर का, और इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला. थोड़ी सी इसमें हींग ऐड करेंगे और ऐड करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर. अब इसमें कुछ पत्ते जो है मैं पालक के डाल रही हूँ, विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल. आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं. और थोड़ा सा हरा धनिया हम ऐड कर रहे हैं फॉर फ्रेशनेस एंड फ्लेवर. धनिया को आप चॉप करके बाद में भी डाल सकते हैं, इट इज़ अप टू यू. अब हम इसका एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेते हैं. इसको हमें बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए जितना पानी ज़रूरत लगे आप उतना इसमें डाल सकते हो और एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेते हैं. बैटर हमारा रेडी हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं एक बड़े बॉल में. देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर इसमें आया है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग कलर. अब इसमें थोड़ा अनियन ऐड करते हैं, टोमेटोज ऐड कर रहे हैं और ग्रेटेड कैरेट्स ऐड करेंगे और सेसमे सीड्स ऐड कर देते हैं. हल्का सा नमक डाल के टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. फेंटने से अप्पे का टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आता है. और अब इसमें ऐड करेंगे सेमोलिना या सूजी. दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. आप खाली मूंग दाल के अप्पे बना सकते हैं, बट एज माय किड्स लाइक द टेक्सचर ऑफ सेमोलिना, सो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड 1/3 cup ऑफ सेमोलिना. सूजी डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए ढक के रखना है ताकि सूजी अपना पानी एब्जॉर्ब करे. और फाइनली इनो डालना है. इनो डाल के इसको मिक्स करना है, बहुत विगोरसली नहीं, बहुत जेंटली आपको इसको मिक्स करना है. अप्पे पैन गरम हो गया है. देसी घी डाल के इसमें मैं बैटर ऐड कर रही हूँ मूंग दाल का. मूंग दाल और देसी घी का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. अब इसको कुछ देर के लिए हमें ढककर पकाना है. आफ्टर 5 to 7 मिनट्स हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं. अप्पे एक साइड से कुक हो चुके हैं, दूसरी साइड पलटकर हम दूसरी साइड से भी कुक कर देते हैं. उससे पहले थोड़ा सा इसमें फिर से देसी घी हम स्प्रिंकल कर देते हैं और इसको फिर से हमें 4 to 5 मिनट्स के लिए ढककर पकाना है. अप्पे हमारे रेडी हो गए हैं, दीज आर रेडी टू सर्व. एक एक करके हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं. दे आर ब्यूटिफुली कुक्ड, बहुत ही लो कैलोरी रेसिपी है. अप्पे को आप सर्व कीजिए ग्रीन चटनी के साथ, कोकोनट चटनी के साथ या फिर कोई भी अपनी फेवरेट चटनी के साथ. ब्रेकफास्ट में सर्व करें या स्नैक्स में इंजॉय करें. ये रेसिपी टेस्टी तो है ही, साथ ही में ये आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ का भी ध्यान रखेगी. स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर हेल्थ एंड वेट लॉस टिप्स एंड हेल्दी रेसिपीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.